एक तस्वीर इस बीच में बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए अच्छी हुई है कि आरजेडी में शामिल हुई है लवली आनंद। इस वक्त की यह बड़ी खबर आरजेडी से जुड़ी हुई, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी है लवली, फिलहाल जेल में बंद है बाहुबली नेता आनंद मोहन। और ऐसे में आरजेडी में शामिल होने के बाद में अब आगे की तस्वीर क्या बनेगी, आगे किस तौर पर आरजेडी को फायदा होगा, या इनके शामिल होने से कोई ड्रॉबैक तो नहीं आरजेडी के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, या फिर इस चीज को लेकर के उस मुद्दे पर कहीं अब मौजूदा वक्त में चुनावी प्रक्रिया के बीच में आरजेडी कहीं घेर तो नहीं जाएगी, क्योंकि इनके पति बाहुबली हैं, बिहार के जेल में बंद है। इस आगे की स्थिति क्या है, कितना फायदा आरजेडी को, कितना नुकसान, हमारे सहयोगी दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए बने हुए हैं। दीपक, लवली आनंद के आने से आरजेडी को कितना फायदा और इसका ड्रॉबैक क्या? मायने में कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार आरजेडी से पाला बदलकर लोग, कई विधायक और नेता जो है वो जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। महागठबंधन में जो हंगामा मचा है उसमें आरजेडी के साथ इस समय खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। कांग्रेस भी एक तरह से जिसे कहे कि एक अलग रूप अख्तियार किए हुए है, तो महागठबंधन में ही आरजेडी अलग थलग है और एक तरफ उसके नेता जा रहे हैं, और ऐसे में लवली आनंद का आना एक उसके लिए साइन है कि हमारे पार्टी में भी लोग नेता जो आ रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक यह है, आपको पहले याद होगा कुछ समय पहले अनंत सिंह के मामले पर तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि बैड एलिमेंट्स को हम अपने यहाँ शामिल नहीं करते हैं। अब ऐसे में आनंद मोहन सिंह चूंकि जेल में बंद हैं, उनके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस हैं, तो ऐसे में लवली आनंद को अगर ज्वाइन किया है तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के नेता अब इस बात के आरोप लगाएंगे कि आप जिस बैड एलिमेंट्स को लेकर आपने जो टिप्पणी की थी, आज वही बैड एलिमेंट्स की पत्नी आपके यहाँ पार्टी ज्वाइन कर रही है। यानी कि दीपक, क्या ये कहा जाए कि फायदे से ज्यादा नुकसान चूंकि एक मुद्दा बनेगा विधानसभा के चुनाव में, इसलिए नुकसान ज्यादा हो सकता है आरजेडी को, क्या ऐसी कयास आ रही है? देखिए, अब फायदा या नुकसान जो है अभी कुछ समय बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो अभी एनडीए है वो एनडीए जो है आरजेडी पर हमलावर होगा और उसका जवाब देने में फिलहाल तेजस्वी यादव को थोड़ी मुश्किलें होंगी। जी, बहुत शुक्रिया दीपक प्रियदर्शी इन तमाम जानकारी के लिए।